25 साल की एना डेगुजमैन कार्डिस्ट्री और कार ट्रिक्स के लिए फेमस है। इस वीडियो में हम इनका अमेरिका'स गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया हुआ एक गजब का मैजिक एक्ट देखने वाले हैं और जानने वाले हैं इस कमाल के मैजिक के पीछे का सीक्रेट। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर शो करना। इस एक्ट के स्टार्टिंग में एना सबको ये बॉक्स दिखाती है जिसमें एक केक रखा हुआ है और ये केक बहुत ही स्पेशल है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। स्टेज पर शो के चारों जजेस भी मौजूद होते हैं, साइमन, सोफिया, हाइडी और हावी। एना एक कार्ड डेक हाथ में लेती हैं और सबको शो करती हैं कि ये एक नॉर्मल डेक है और सारे कार्ड्स रैंडम हैं। अब एना इस डेक में से साइमन को एक कार्ड पिक करने के लिए कहती है, फिर सोफिया से भी एक कार्ड पिक करने के लिए कहा जाता है, ऐसे ही हाइडी और हावी से भी एक एक कार्ड पिक करवाया जाता है। इसके बाद एना बाकी बचे कार्ड्स को टेबल पर स्प्रेड कर देती हैं। अब एना हावी को छोड़कर बाकी तीनों जजेस को अपने कार्ड्स मेमोराइज करके वापस टेबल पर स्प्रेडेड डेक में रखने के लिए कहती हैं। वहीं हावी को उनके कार्ड पर साइन करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद हावी सबको अपना कार्ड शो करते हैं और फिर इसे भी वापस डेक में रख देते हैं। इस तरह अब चारों जजेस के पिक किए हुए कार्ड्स इस डेक में मिक्स हो जाते हैं, लेकिन अब जो होने वाला है उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। एना इस डेक में से एक कार्ड निकालती हैं और फिर साइमन से उनका कार्ड सबको बताने के लिए कहती हैं, जो होता है 3 of diamonds। और जब एना अपने हाथ में पकड़े इस कार्ड को रिवील करती है तो वो 3 of diamonds का कार्ड होता है। इसके बाद एना डेक से अगला कार्ड निकालती हैं और फिर सोफिया से उनका कार्ड पूछती हैं। सोफिया ने जो कार्ड पिक किया था वो था एस ऑफ क्लब्स। और जब एना ये कार्ड रिवील करती हैं तो ये एस ऑफ क्लब्स का कार्ड ही होता है। इसके बाद एना एक कार्ड अपने मुंह से बाहर निकालती हैं और हाइडी को इसे ओपन करने के लिए कहती हैं। उससे पहले हाइडी से उनका कार्ड पूछा जाता है जो उन्होंने पिक किया था, वो कार्ड होता है क्वीन ऑफ हार्ट्स। और जब हाइडी इस फोल्डेड कार्ड को ओपन करती हैं, तो ये कार्ड भी होता है क्वीन ऑफ हार्ट्स। अब लास्ट में हावी की बारी आती है, लेकिन अब जो डेक एना ने हाथ में पकड़ा था उसे जब वो टेबल पर स्प्रेड करती हैं, तो वो सारे कार्ड्स ब्लैंक होते हैं। एना हावी से सबको अपना पिक किया हुआ कार्ड बताने के लिए कहती हैं, और जैसा कि आपने भी देखा था वो कार्ड था 7 of spades। It was 7 of clubs, right? 7 of spades, 7 of spades. इसके बाद एना वो केक टेबल पर लाती हैं जिसे स्टार्टिंग में उन्होंने सबको दिखाया था। इस केक की खास बात ये थी कि इसके ऊपर लव लिखा था और जब एना इसे टर्न करती हैं तो ये होता है 3AQ7, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि जजेस ने एग्जैक्टली यही कार्ड्स पिक किए थे। 3 साइमन का कार्ड था, ए यानी एस सोफिया का कार्ड था, क्वीन हाइडी का और 7 हावी का कार्ड था। इतना ही नहीं, अब एना केक के अंदर से एक कार्ड निकालती हैं और ये कार्ड हावी का साइन किया हुआ 7 of spades कार्ड होता है। लेकिन कैसे ये कार्ड केक के अंदर कैसे पहुंच गया और कैसे केक पर ये प्रिडिक्शन पहले से ही लिखी थी और कैसे बिना जाने एना एक मिक्स डेक में से जजेस के चूज किए हुए कार्ड्स को बाहर निकाल लेती हैं। अब हम इस गजब के मैजिक के पीछे का सीक्रेट जानेंगे। उससे पहले अगर आपको एना डेगुजमैन का ये कमाल का मैजिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसी और मैजिक रिवील वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। इस एक्ट के स्टार्टिंग में एना सबको ये केक और फिर कार्ड डेक दिखाती हैं। यहां अभी ये केक तो नॉर्मल है लेकिन ये कार्ड डेक बिल्कुल भी नॉर्मल डेक नहीं है। अगर आप यहाँ देखें तो एना इस डेक के कुछ टॉप कार्ड्स को ही सबको शो करती हैं और नीचे के इन कार्ड्स को वो शो नहीं करती। असल में ये डेक कुछ इस तरह का है। इस डेक में बॉटम के कुछ कार्ड्स रैंडम हैं, इसके ऊपर एक सेट सिर्फ 7 of spades के कार्ड्स हैं, उसके ऊपर का सेट सिर्फ क्वीन ऑफ हार्ट्स का है, उसके ऊपर के कुछ कार्ड्स एस ऑफ क्लब्स कार्ड्स हैं और टॉप पर एक सेट सिर्फ 3 of diamonds का रखा हुआ है। स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो एना बॉटम की इन्हीं कार्ड्स को स्प्रेड करती हैं और सबको यकीन दिलाती हैं कि ये एक नॉर्मल डेक है। इसके बाद एना डेक को फ्लिप करती हैं और टॉप से कार्ड्स को स्प्रेड करते हुए सबसे एक एक करके कार्ड्स पिक करने के लिए कहती हैं।
सबसे पहले एना इस टॉप के सेट को स्प्रेड करती हैं और साइमन से कार्ड पिक करने के लिए कहती हैं। और जैसा कि आपको पता है यहाँ सारे कार्ड्स थ्री ऑफ डायमंड्स के हैं, यानी साइमन इसमें से कोई भी कार्ड पिक करेंगे वो कार्ड थ्री ऑफ डायमंड्स का ही होगा। ठीक ऐसे ही अब एना बड़ी चालाकी से सेकंड सेट को जज सोफिया के सामने स्प्रेड करती हैं और जैसा कि अब आप जानते हैं ये सभी कार्ड्स एस ऑफ क्लब्स के होते हैं। इस तरह एना सोफिया से एस ऑफ क्लब कार्ड पिक करवा लेती हैं। इसके बाद बारी आती है जज हाइडी की, जिसके आगे एना डेक का ये थर्ड सेट स्प्रेड करती हैं। और अब आपको भी पता है इस सेट में सिर्फ क्वीन ऑफ हार्ट्स के कार्ड्स हैं। इस तरह हाइडी को लगता है कि वो कोई रैंडम कार्ड पिक कर रही हैं, लेकिन एना को पहले से पता है जो कार्ड वो पिक कर रही हैं वो क्वीन ऑफ हार्ट्स का कार्ड है। इसके बाद हावी के आगे एना ये लास्ट सेट स्प्रेड करती हैं, जिसमें सिर्फ सेवन ऑफ स्पेड्स के कार्ड्स हैं। और इस तरह एना जजेस से वही सारे कार्ड्स पिक करवा लेती हैं जो वो चाहती थी। इसके बाद एना बचे हुए कार्ड्स को टेबल पर फेस डाउन स्प्रेड कर देती हैं और हावी को छोड़कर सभी जजेस से उनके कार्ड्स इसमें वापस रखने के लिए कहती हैं। एना हावी से उनके पिक किए हुए कार्ड पर साइन करने के लिए कहती हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो जब हावी अपने कार्ड पर साइन कर रहे होते हैं एना टेबल पर स्प्रेडेड कार्ड्स को अपने हाथ में ले लेती हैं और पीछे टर्न होकर खड़ी हो जाती हैं। असल में यही एना अपना अगला मूव करती हैं और अपने हाथ में पकड़े डेक को एक दूसरे डेक से बदल लेती हैं। आप यहाँ क्लियरली एना को ऐसा करते हुए नोटिस कर सकते हैं। अब जो डेक एना के हाथ में है वो कुछ इस तरह का है। अगर इसे इस साइड से देखें तो इसमें यहाँ सबसे नीचे थ्री ऑफ डायमंड्स का कार्ड है, उसके ऊपर एक क्वीन ऑफ क्लब्स का कार्ड है, उसके बाद है एस ऑफ क्लब्स का कार्ड, उसके ऊपर है क्वीन ऑफ हार्ट्स का कार्ड और बाकी बचे हुए ये सारे कार्ड्स ब्लैंक कार्ड्स हैं। अब एना सबसे पहले हावी से उनका साइन किया हुआ कार्ड इस डेक में रखने के लिए कहती हैं, जो यहाँ कहीं बीच में हावी रख देते हैं। अब एना कार्ड का फेस अपनी तरफ करके सबसे पहले साइमन से उनका कार्ड पूछती हैं, जो होता है थ्री ऑफ डायमंड्स। और इस तरह एना ये थ्री ऑफ डायमंड्स कार्ड को रिवील करके सबको हैरान कर देती है। इसके बाद एना इस क्वीन ऑफ क्लब कार्ड को अपने हाथ में लेती हैं और फिर सोफिया से उनका कार्ड पूछती हैं, जो होता है एस ऑफ क्लब्स। इसी बीच अगर आप यहां देखें तो एना हाथ में पकड़े क्वीन ऑफ क्लब्स कार्ड को वापस डेक के ऊपर रखती हैं और इस बार वो डबल लिफ्ट करते हुए ये दो कार्ड्स को हाथ में ले लेती हैं। इस तरह अब उनके हाथ में दो कार्ड्स हैं, आगे क्वीन ऑफ क्लब्स और इसके पीछे है एस ऑफ क्लब्स का कार्ड। यहाँ एना शेक चेंज टेक्निक का यूज करके कार्ड्स को फ्लिप करती हैं और एस ऑफ क्लब्स कार्ड को रिवील करके सबको हैरान कर देती हैं। अब जादूगर एना डेक से वापस इन दो कार्ड्स को अपने हाथ में लेती हैं और फिर क्वीन ऑफ हार्ट्स कार्ड को फोल्ड करके अपने मुंह में डाल लेती हैं। इसके बाद एना हाथ में बचे इस क्वीन ऑफ क्लब्स कार्ड को हाइडी को दिखाती हैं, जो ऑब्वियसली उनका कार्ड नहीं है, इसलिए एना इसे फेंक देती हैं और फिर अपने मुंह से क्वीन ऑफ हार्ट्स कार्ड को निकालकर हाइडी को ओपन करने के लिए कहती हैं। उससे पहले अगर आप यहां देखें तो एना जब हाइडी का कार्ड ढूंढने की एक्टिंग कर रही होती हैं, वो असल में इस डेक में मौजूद हावी का कार्ड सर्च कर रही होती हैं और उसे बड़ी चालाकी से डेक के ऊपर ले आती हैं। और यहाँ जब हाइडी अपना कार्ड ओपन कर रही होती हैं, एना बड़ी चालाकी से डेक के ऊपर मौजूद हावी के इस साइंड कार्ड को अपने पास रख लेती हैं। इस तरह अब इस डेक में सिर्फ ब्लैंक कार्ड्स बच जाते हैं, जिसे एना टेबल पर स्प्रेड करती हैं और सब हैरान रह जाते हैं। अब आपको पता है कि हावी का साइन किया हुआ कार्ड एना के पास है। अब एना अपने लास्ट रिवील के लिए ये केक लेकर आती हैं। असल में इस केक के बॉटम में एक स्लिट बना होता है और जब एना इस केक को ला रही होती हैं, वो यहीं से बड़ी चालाकी से अपने पास मौजूद हावी के साइंड कार्ड को इस केक के बॉटम से इसके अंदर डाल देती हैं। इस तरह एंड में केक के अंदर से हावी के साइंड कार्ड को निकालकर एना रिवील करती हैं, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। लेकिन अब आप भी जानते हैं ये कैसे होता है और अब आप ये भी जानते हैं कि केक पर पहले से ये प्रिडिक्शन कैसे लिखी होती है।
हम आपके लिए ऐसी मैजिक रिवील वीडियोस लाने के लिए काफी मेहनत करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।